अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मारिया खान फ्रॉम amana.com और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ अर्से पहले मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि हमारे यहाँ इस्लामाबाद और पिंडी के गिरदोनावा में उसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं जिसके ऊपर मैं समझती हूँ कि मुझे हम लोगों को रिसर्च करके एक अनबायस्ड ओपिनियन आप लोगों को देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हर प्रोजेक्ट को लेकर मार्केट में मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि बहुत बायस्ड ओपिनियंस हैं, या तो बहुत नेगेटिव या बहुत पॉजिटिव। एंड आई वांटेड टू नो वाज कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। तो जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट की तो मुझे उसके बाद आइडिया हुआ कि बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स होते हैं, डिफरेंट रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से मार्केट में या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं वो रियलिटी भी होती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि रूमर्स होते हैं और दुश्मनी में आके सब हो रहा होता है, कुछ चीज़ें वाकई में जेन्युइनली पॉजिटिव होती हैं। और आई जस्ट वांटेड कि प्रॉपर रिसर्च करके आप लोगों तक उस सारी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जाए। सो व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम चक्री रोड, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मुझे समझ में आया, जो कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑन चक्री रोड एज वेल, उसका नाम है मेविदा। और जब मैं मेविदा के ऊपर रिसर्च कर रही थी तो आई फाउंड आउट कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, व्यूअर्स हैं, जिन्होंने प्रॉबली मेविदा में इन्वेस्टमेंट की होगी या करना चाह रहे होंगे या उसके बारे में जानते होंगे, लेकिन मार्केट में उन्होंने डिफरेंट रूमर्स सुने होंगे, हो सकता है नेगेटिव चीज़ें सुनी हो, हो सकता है पॉजिटिव सुनी हो। मैं ये चाहती थी कि हम लोग क्यों ना खुद उसके ऊपर रिसर्च करके प्रॉपर एक एक जो क्वेश्चन है, चाहे नेगेटिव है चाहे जैसा भी सवाल है, वो उन लोगों से पूछा जाए। मेविदा की जो मेन पूरी टीम है उन लोगों से इस बारे में बात की जाए। और इसी सिलसिले में आज मैं मौजूद हूँ मेविदा के हेड ऑफिस में, और मेरे साथ मौजूद हैं आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हु इज़ बेसिकली द डायरेक्टर ऑफ मेविदा, मिस्टर चौधरी शहजाद साहब। और हम उनसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं, ठीक है? और जो वो और ये वो सवाल हैं जो मैंने मार्केट में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे मिले हैं और आप लोगों के जेन्युइन कंसर्न्स हैं। तो सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब, मैं आप लोगों के साथ जो है आज मेरी मीटिंग का मकसद यही था कि मैंने आपको बताया था कि हम बहुत से हमारे सवाल आते हैं एंड यू आर काइंड इनफ टू आंसर ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो सबसे पहले तो जो मेरा आपसे सवाल है मेविदा के हवाले से, वो ये है कि मेविदा जो है जब सबसे पहले लॉन्च हुआ था 2011 और 12 में, आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस टाइम पर ये खन्याल होम्स के नाम से था और ये फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट था। और उसके बाद जो है इसको चेंज करके, इसका नाम चेंज करके मेविदा रखा गया, ठीक है? फार्म हाउसेस के बाद इसको कम्प्लीटली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया गया, इसका नाम चेंज किया गया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये सारा कुछ आप लोगों ने किया, और व्हाट इज़ द एक्चुअल स्टोरी बिहाइंड इट? जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये कदम उठाया और हमारा मौक़िफ भी जो भी क्वेश्चन आपको मार्केट से मिले उसमें आपने हमारा मौक़िफ लेने के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और जहाँ तक इसका सवाल है मेविदा पाकिस्तान तो अभी 2021 में लॉन्च हुआ था, 2021 के स्टार्ट में, जबकि इससे पहले वहाँ पे चक्री रोड पे हमारा अपोजिट साइड पे जहाँ पे हमारा अभी ओवरसीज़ कम्युनिटी है वहाँ पे खन्याल होम्स के नाम से हमारा प्रोजेक्ट था पहले, जिसमें हमने प्लॉट्स जो है वो सेल आउट किए थे। अब कोई भी प्रोजेक्ट, रियल इस्टेट प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया जाता है तो हमारे यहाँ पर ख़ास तौर पर चक्री वाला एरिया या जो भी एरिया जो शहर से थोड़ा सा फासले पे होता है तो लोग, ज़्यादातर लोग उसमें सिर्फ 10% अमाउंट अदा करके बुकिंग करवा लेते हैं, उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं करते। शायद या तो उनका मकसद ये होता है कि मे बी 2-4 साल के बाद इसकी कोई कीमत बढ़ जाएगी तो हमें इसी पे प्रॉफिट मिल जाएगा, उन्होंने उसको कंप्लीट प्लाट तक लेके नहीं जाना होता। और हमारे जो पहला खन्याल होम्स था उसके अंदर मोस्टली क्लाइंट वही थे जिन्होंने 10% या 20% तक पेमेंट अदा की हुई थी और उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया हुआ था प्लॉट के लिए। जिन लोगों ने प्लॉट्स के लिए क्वालिफाई किया हुआ है उनको अभी हमने ये 1 जनवरी को 100 लोगों को पोजेशन जो है वो अनाउंस किया था, उसमें वो सब लोग शामिल हैं खन्याल होम्स के जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया था प्लॉट के लिए, जिनकी सारी पेमेंट्स मुकम्मल हो चुकी हैं और डेवलपमेंट चार्जेस का शेड्यूल मिल चुका है, अभी वो डेवलपमेंट चार्जेस अदा कर रहे हैं, उन सबको हमने पोजेशन हैंड ओवर कर दिया है। और उसके अलावा जो क्वालिफाई जिन्होंने नहीं किया था उन लोगों को भी मुख्तलिफ हमने प्लान्स दिए, उसमें उनको एडजस्ट किया है, जिन्होंने एडजस्ट नहीं करवाया उनको उनकी पेमेंट्स वापस कर दी गई हैं। राइट,
सर, अब मैं आती हूँ हमारे दूसरे सवाल की तरफ, जो कि अभी रिसेंटली मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में सुनने को मिला, क्योंकि आप लोगों ने ओवरसीज़ का जो आप लोगों का ब्लॉग है उसमें आप लोगों ने पोजीशन अनाउंस किया है। तो मुझे जब आप मुझे याद है आज से तकरीबन 6 माह पहले जब इसके ऊपर काम चल रहा था बहुत तेज़ी से, कि आप लोगों ने ख़ुद भी अनाउंस किया था कि हम इसके ऊपर पोजीशन देने वाले हैं, तो मार्केट में मैंने ये चीज़ सुनी कि ओवरसीज़ ब्लॉग ऑलरेडी जो है वो पहले भी सोल्ड आउट हो चुका है और उसको दोबारा से सेल किया जा रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इसमें क्या सच्चाई है और ये इस तरह के रूमर्स मार्केट में आने की क्या वजूहत है? क्या ये इस वजह से है कि खन्याल हो वही लोगों को कन्फ्यूजन है कि खन्याल जो प्रोजेक्ट था उसका उसी के लैंड को दोबारा से बेचा जा रहा है, या फिर जो है लोगों को पैसे रिफंड किए गए हैं, जो सेम ज़मीन है अलग है, ये सारे मामला ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए थोड़े से। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ आपको भी पता होना चाहिए कि कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नाम चेंज करता है, एक मिसाल है, एक प्रोजेक्ट पहले 200 कनाल पे था, उसके बाद वो 5000 कनाल पे चला गया, तो ऑब्वियसली वो 200 कनाल वाले जितने लोगों ने क्वालिफाई किया होगा वो उसका पार्ट होंगे उस प्रोजेक्ट का। लेकिन आप उसका अगर आप बड़ा नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं तो आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, जब तक कि आपके कोई भी पुराने ऐसे मुतासरीन ना हों जिनको आपने अकोमोडेट ना किया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पुराने जितने लोग जो क्वालिफाई कर चुके हैं उन सबको अकोमोडेट किया है, उनको प्लॉट्स भी दे रहे हैं। अब ओवरसीज़ ब्लॉक की जहाँ तक बात है, हमने बिल्कुल पहले ओवरसीज़ ब्लॉक के नाम से इसको लॉन्च किया था और ये मेविदा पाकिस्तान की साइड पे था, लेकिन उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली मार्केट की सूरत हाल कुछ ऐसी थी उस टाइम पे कि उसके अंदर बुकिंग नहीं हो सकी। तकरीबन टोटल मेरे ख्याल में 35 के करीब प्लॉट उसमें हुए थे और वो 35 प्लॉट जो है उनको अब हमने ओवरसीज़ कम्यूनिटी जो लॉन्च की इसके अंदर उन सबको ट्रांसफ़र कर दिया। तो मेविदा पाकिस्तान का जो ओवरसीज़ ब्लॉक था वो अब ओवरसीज़ कम्युनिटी के नाम से अब उसको शुरू कर दिया गया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहले कोई और ब्लॉक बेचा गया था और अब दोबारा कोई और ब्लॉक बेचा जा रहा है, ये वही ब्लॉक है बेसिकली, जस्ट इसको वहाँ से शिफ्ट लोकेशन इसकी शिफ्ट की गई है। राइट, नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारे मैं समझती हूँ कि काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, लेकिन ये रूमर्स हैं और मैं समझती हूँ कि इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और आई थिंक कि मैनेजमेंट से बात करना का मकसद भी मेरा यही है, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो मुझे आप लोगों की तरफ से रिसीव हुए हैं। कमिंग टुवर्ड्स माय थर्ड क्वेश्चन, वो ये है कि सर मार्केट में ये भी रूमर्स हैं कि ओवर सेलिंग हुई है फाइल्स की, ठीक है, मार्केट में फाइल्स मौजूद हैं लेकिन उन फाइल्स का लैंड मौजूद नहीं है, और जब तक ट्रेडिंग होती रही है तो ट्रेडिंग के ऊपर वो फाइल्स चलती रही हैं, लेकिन उसके बाद अब तो फिलहाल ट्रेडिंग भी थोड़ी बंद है, नहीं चल रही है। तो मुझे बताइएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर ऐसा है भी तो क्या लैंड एक्वायर किया गया है उन फाइल्स के लिए? जी, तो लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के दो सोर्स हैं, एक तो आप फिजिकली वहाँ पर जा सकते हैं हमारी लोकेशन पर, आप वहाँ पर आपको हमारे बोर्ड लगे हुए नज़र आएंगे, डेवलपमेंट नज़र आ रही होगी, आप वहाँ पर घूम फिर के वहाँ आसपास लोगों से पता वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे नाम पे कितनी लैंड है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितना भी सेल किया हुआ है हमारे पास उससे कहीं ज़्यादा लैंड वहाँ पे मौजूद है, और ये कोई खुदा ना खास्ता वो एग्जैजरेट करने वाली बात नहीं है, ये आप आसानी से इसको वेरीफाई किया जा सकता है। दूसरी जहाँ तक बात आपने की ओवर सेलिंग की, हमारी बेश कुछ पहले ओपन फाइल्स थी मार्केट में मौजूद, और ओपन फाइल मार्केट में इशू करने का मकसद ये होता है कि वो डिस्काउंटेड फाइल्स होती हैं, उनको कन्वर्ट होके रेगुलर फाइल में कन्वर्ट होना होता है। तो जो ओपन फाइल थी वो अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उसको रेगुलर फाइल में कन्वर्ट नहीं करवाया, तो उसके बाद उसके लिए फिर हमने मुख्तलिफ लोगों को ऑप्शंस दे के वो सारी फाइल्स जो है वो हमने बाय बैक कर ली थी। तो अब इस वक्त उनमें से कोई भी फाइल मार्केट में मौजूद नहीं है, तो अगर कोई ऐसी फाइल है भी मार्केट में तो वो उसको लाके रेगुलर फाइल में कन्वर्ट करवा सकते हैं, उसकी ऑप्शन वो हर वक्त मौजूद रहेगी। राइट, कमिंग टुवर्ड्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सर NOC का के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि NOC का क्या स्टेटस है आइदर फ्रॉम RDA और FATA, आप लोगों की जो है डॉक्यूमेंट सबमिटेड हैं, क्या सूरत हाल है, क्या होने वाला है, एनी अपडेट्स ऑन दैट? जी, हमारा पहले तो हमारा NOC हमने RDA में अप्लाई किया हुआ था आज से काफ़ी अरसा पहले जो खन्याल होम्स का भी NOC RDA में ही अप्लाई किया हुआ था, लेकिन उसके बाद जब ये नीम शहरी और शहरी हदूद बंदी जो है ये कर दी गई और RDA की जो ज्यूरिडिक्शन है वो नीम शहरी हदूद तक महदूद होगी, जैसे ग्रे एरिया तक, तो हम चूँकि उस हद से बाहर हैं तो हम TMA या ज़िला कौंसिल के अंडर आते हैं, तो हमने फिर पंजाब टाउन प्लानिंग एजेंसी से रब्ता किया NOC के लिए, और हमने तमाम उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने कम्प्लीट कर दी हैं और इन प्रोसेस है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुतवक्के है के उसका ऐलान कर दिया जाएगा। राइट, कमिंग टुवर्ड्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों का जो जनरल ब्लॉक है
ठीक है, उसके हवाले से मुझे थोड़ा सा बताइएगा, उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं इस टाइम पे वहाँ पर, डेवलपमेंट की क्या सिचुएशन चल रही है, और उसके हवाले से भी न्यूज़ जो आप शेयर करना चाहें। जी, उस हमारी जो मेन बुलेवार्ड है, मेन बुलेवार्ड पे ब्लैक टॉप हो चुका है, उसकी सर्विस रोड्स बन चुकी हैं, उसके अलावा जो उस पर प्लांटेशन का काम है वो जारी है, उसके अलावा हमारा जो मेन रोड पे जो मस्जिद है उसकी बैक साइड पे जो 8 मरला की प्लॉटिंग जहाँ पे है वहाँ तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कोई 60% तक कंप्लीट हो चुका है, और अभी दोबारा जैसे ही हमारा NOC इशू हो जाता है उसके बाद हम इंशाल्लाह दोबारा वहाँ पर डेवलपमेंट काम का स्टार्ट करेंगे। सर, मेरा आपसे जो अगला सवाल है वो ये है डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से। मुझे ये ऐसा लगा कि जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, उसके अलावा भी कुछ मेरी डिस्कशंस हुई कुछ लोगों से, डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो आप लोगों के रियलिस्टिक नहीं है, कि मतलब वो कम है, तो आपको लगता है कि उन डेवलपमेंट चार्जेस में है उस अमाउंट में आप लोग डेवलपमेंट कर पाएंगे इस तरीके से? देखिए, हमने डेवलपमेंट चार्जेस जो अभी अनाउंस किए हैं, हमने बिल्कुल उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे जाके कैलकुलेट किया है। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन कॉन्ट्रैक्टर ने जो हमें प्राइसेस दी, हमने एग्जैक्ट वही प्राइसेस, उसी प्राइसेस को आगे डिवाइड करके लोगों को बता दिया है। अब बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं वो डेवलपमेंट चार्जेस में भी कमा रही होती हैं, तो हम डेवलपमेंट चार्जेस में कमा नहीं रहे, हम ये इसका जो एडवांटेज है ये हम अपने एंड यूज़र को देना चाह रहे हैं, ताकि एंड यूज़र को ऑलरेडी चूँकि कॉस्ट ऑफ लैंड अब काफ़ी बढ़ चुकी है, तो एंड यूजर के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। राइट। सर, मेरा जो आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो मैं आपसे कह लीजिए कि आपके क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स, व्यूअर्स और जितने भी मार्केट के लोग हैं उनके बिहाफ पर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। सर, कुछ चीज़ें मैं समझती हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके बारे में नेगेटिविटी मार्केट में ज़रूर होती है, कुछ एग्जैजरेटेड डिटेल्स होती हैं, नेगेटिविटी होती है, कुछ मैं समझती हूँ कोई प्रोजेक्ट है तो उनकी भी गलतियाँ होती हैं, और कुछ वाकई में नेगेटिविटी होती है जो क्रिएट की जाती है। अब अगर मैं मेविदा के हवाले से बात करूँ, तो मेविदा का नाम जो है वो चेंज होना, उसके बाद कुछ फाइल्स को लेके चीज़ें, कुछ डेवलपमेंट स्लो होना, और बहुत सारी चीज़ों की वजह से मैं समझती हूँ कि उसने भी एक रोल अपना प्ले किया मार्केट में नेगेटिविटी फैलाने में, और कुछ जो है वो एग्जैजरेटेड है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूँ कि मेविदा ने अपनी पास्ट मिस्टेक से क्या सीखा है, किस तरीके से वो उसको फिक्स कर रही है, और उसके अलावा ये जो मार्केट में इतनी ओवरवेलमिंग नेगेटिविटी है इस सर्टेन प्रोजेक्ट को लेकर, आप क्या समझते हैं कि इन सब चीज़ों के ऊपर किस तरीके से काम चल रहा है? आई अंडरस्टैंड कि एक ही सवाल में मैंने आपसे 3 सवाल पूछ लिए हैं कि किस तरीके से आप इसको फिक्स करने कर रहे हैं, आपको, आप क्या समझते हैं, आप अपनी गलतियों से क्या आप लोगों ने सीखा है, और मार्केट में जो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है ये क्यों है अपार्ट फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स? जी देखिए, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है, इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है और अपने करेक्शन करता है, और यकीनन हमने भी कुछ गलतियां की होंगी और उन गलतियों को अब हमने करेक्ट भी कर लिया है। जैसे मैंने अभी पहले अर्ज़ किया कि जो ओपन फाइल था वो शायद हमारी गलती थी, और अब हमने उसको करेक्ट उस तरह से कर लिया है कि अब उसको जितनी भी वो मार्केट में अवेलेबल थी, जितनी लोगों के पास थी, वो हमने बाय बैक कर ली हुई है। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर, आपने कहा कि डेवलपमेंट बहुत स्लो है शायद। देखिए, हमने अभी तक ज़्यादातर लोगों से सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड की मद में कुछ रकम सिर्फ ली है, उससे मुराद 10%, 20%, 30%। उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ लैंड मुकम्मल होगी, फिर डेवलपमेंट चार्जेस हम उनसे शुरू करेंगे। एक्चुअली डेवलपमेंट, आपने डेवलपमेंट चार्जेस जब लेते हैं तब आपने करना होती है, उससे पहले आप जितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो तो एक प्लस है, वो तो आप अपने पास से कर रहे हैं, वो तो एक पॉजिटिव चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे जा रहे हैं, हमने डेवलपमेंट चार्जेस तो अभी 1 महीना पहले लगाए हैं, जबकि हमारी जो वहाँ पे ऑन साइट डेवलपमेंट है वो तकरीबन पिछले 1.5 साल से चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है उस हिसाब से। अब आते हैं आपके सवाल के आखिरी हिस्से पे, जिस पे नेगेटिविटी के बारे में आपने बात की, तो उस पे मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। अनफॉर्चुनेटली जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया है और ये माइक और कैमरा जो है ये एक ऐसे वेपन बन गए हैं कि इसको हर बंदा एहतियात से इस्तेमाल नहीं करता, किसी की इज़्ज़त उछालना, किसी पे तनकीन करना, अब ये बहुत आसान हो गया है कि आपने कहीं भी माइक उठाया, कैमरा उठाया, जाके किसी पे कोई एक वीडियो बना ली, उसका मौकफ़ या उसका नैरेटिव समझे बगैर, या बजाय इसके कि आपके पास कोई ठोस सबूत ना भी हो, आपने महज़ र्यूमर्स की बुनियाद पे किसी की बारे में कोई ऐसी बात कर दी, तो वो देखने वाला तो उसको सच समझता है। चूँकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम लोग अफवाहों में बहुत जल्दी यकीन करते हैं, तो इसके लिए फ़र्ज़ है हर उस बंदे का जो चाहे अखबार वाला हो, चाहे वो कोई वीलॉगर है, चाहे उसके अलावा सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म से वाबस्ता है, उसको चाहिए कि वो जिसके बारे में भी कोई न्यूज़, कोई भी चीज़, कोई वीडियो बना रहा है, तो सबसे पहले उनका मौक़िफ़ ज़रूर उस पर ले। अगर वो उनका मौक़िफ़ नहीं लेता तो ये डिफेमेशन में आता है, ये जो प्रिवेंट
प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है अभी एक्ट 2022, उसमें ये काबिल ताज़ीर जुर्म है, इस पे आप किसी भी ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और हमें ऐसी सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें देखी हैं जो कि लोगों ने बग़ैर किसी सबूत बग़ैर किसी चीज़ के हमारे खिलाफ की हैं। हम उनको इंशाल्लाह जल्द लीगल नोटिस भी भेज रहे हैं और उनसे रब्ता भी सबसे किया है कि आप इस पर हमारा मौक़िफ लें। जो उस पर हमारा मौक़िफ ले लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हम उस पर लीगल नोटिस जो है वो अपने उनको भेजें। राइट सर, अब मैं बढ़ती हूँ हमारे अगले सवाल की तरफ। मेरा जो अगला सवाल है आपसे वो ये है कि आपको आप मेविदा की जो है इट्स बिन अ जर्नी, ठीक है, काफ़ी साल हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। डिफेमेशन वाली जो आपने बात की है मैं उससे अग्री करती हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा होते हुए देखा। और इसीलिए मेरा जो मेन जैसा मैंने आप सब व्यूअर्स को भी बताया कि मेरा मकसद यही था कि मौक़िफ़ जानना हर साइड का ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप जाकर खड़े होकर अपना खुद से बग़ैर रिसर्च की ओपिनियन देना स्टार्ट हो जाए। यू शुड नो कि दोनों साइड्स पर क्या हो रहा है। तो मेरा जो अगला सवाल है सर वो आपसे ये है कि एंड यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं पूछूं कि वो मेविदा के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और कितना ट्रस्ट कर सकते हैं और उनको क्यों ट्रस्ट करना चाहिए। जी, आपके पिछले सवाल से जुड़ी हुई एक बात जो शायद मैं उसको बताना भूल गया था, देखिए बहुत सी ऐसी हमारे ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म कैंपेन्स चल रही हैं जो कि पेड कैंपेन है, और हम समझते हैं कि उसके पीछे मार्केट के कुछ लोगों का हाथ है जिनके अपने कुछ मफादात वाबस्ता हैं। उसमें कोई हमारी इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोजेक्ट्स वाले भी हो सकते हैं, उसके अलावा इस फील्ड में काम करने वाले और लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद हमारे साथ कुछ काम किया हो और वो किसी भी वजह से हमारे खिलाफ सिर्फ हमें प्रेशराइज़ करने के लिए कर रहे हो। तो ऐसे लोग भी हैं, हम इंशाल्लाह उसको भी आहिस्ता आहिस्ता हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब आते हैं आपके अगले सवाल की तरफ कि एंड यूज़र हमारे पे ट्रस्ट इस वजह से कर सकता है कि एक तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप चक्री रोड पे जितने प्रोजेक्ट्स देख लें, तमाम प्रोजेक्ट्स उनका गेट चक्री रोड पे होता है, अंदर सड़क जा रही होती है, प्रोजेक्ट पीछे होता है। वाहिद प्रोजेक्ट मेविदा पाकिस्तान है जो कि चक्री रोड के ऊपर इतना ज़्यादा जिनके पास फ्रंट मौजूद है, जो कि एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मेन पॉइंट है एंड यूज़र के वहाँ पे इन्वेस्ट करने का। दूसरी बात यह कि अभी रिसेंटली हमने ओवरसीज़ कम्युनिटी के अंदर बहुत से वो लोग जिन्होंने घर बनाने थे उनको सिर्फ 50% कॉस्ट ऑफ लैंड के अगेंस्ट पोजेशन दे दिए, जबकि नॉर्मली पोजेशन का तरीका कार होता है 100% कॉस्ट ऑफ लैंड लेने के बाद डेवलपमेंट चार्जेस पूरे वसूल किए जाते हैं फिर उसके बाद पोजेशन दिया जाता है, जबकि हमने सिर्फ 50% में लोगों को पोजेशन दे दिए हैं अभी वहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा एतमाद है जो हमने भी उन क्लाइंट्स पर किया है जिनको पोजेशन दिए हैं, और मैं समझता हूं कि इसी वजह से लोगों को जो एंड यूज़र है उनको मेविदा पे भी एतमाद करना चाहिए। राइट सर, मैं आपसे एक और सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगी। जिस तरह अभी आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि जो डिफरेंट मार्केट में प्रोजेक्ट्स होते हैं, लोग होते हैं, वो भी बहुत सारे लोग इन डेफिमेशन की चीज़ों में आई अंडरस्टैंड कि वो क्यों होते हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ एनी रीज़न। आप एज अ मतलब आपको क्या लगता है कि इसको किसी तरीके से क्या प्रिवेंट किया जा सकता है, या फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि हाउ डू यू थिंक कि आप लेट्स सपोज के आप चाहेंगे कि हम लोग इतनी बेहतरीन डेवलपमेंट करें कि किसी को बोलने का मौका ही ना मिले, कोई कुछ कहे भी तो आप उसको बोले कि तुम जाके एक दफ़ा लैंड देख लो, तो आप इस चीज़ को किस तरह से प्रिवेंट करेंगे? जी, इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस देंगे, हम लोगों को आगही देंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में कि अभी कितना वहाँ काम हो चुका है। अभी एक बंदा होगा उसने एक साल पहले प्रोजेक्ट विजिट किया होगा, एक साल पहले की सिचुएशन उसने देखी होगी और उसके बाद बाकी सोशल मीडिया पर उसने चीज़ें देखी होगी, तो हो सकता है वो इससे इस पर इसका असर हो गया हो या वो उससे मुतासर हो गया हो। तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट की जितनी हमारी खूबियाँ हैं, जो वहाँ पर काम हो रहा है, डेवलपमेंट है, इन सारी चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें ताकि लोगों को असल हकीकत का पता चल सके और लोग र्यूमर्स के लोगों या किसी के बहकावे में ना आ सके। और उसके अलावा फिर जितने भी ऐसा नेगेटिव कंटेंट है हम उन भी सब लोगों से रابطہ करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे और उनको अपना मौक़िफ़ देने की भी कोशिश करेंगे। राइट सर, नाउ कमिंग टुवर्ड्स माय लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी वो ये है कि फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने वो कौन से लोग हैं मेविदा में जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है जो एलिजिबल हैं कि अगर वो रिफ़ंड की पॉलिसी आप लोगों की अगर है तो वो अगर कुछ रिफ़ंड करवाना चाह रहे हो वो कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए? देखिए, रिफ़ंड पॉलिसी तो हमारी ऑलरेडी मौजूद है और लोग आते हैं जिस तरह प्रोसेस चल रहा होता है। जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म की टर्म एंड कंडीशन बेसिकली
एंड यूज़र का और किसी भी इदारे का एग्रीमेंट होता है, वो एक आपका एग्रीमेंट है जिसको आप दोनों पार्टीज़ एग्री करती हैं और उसकी बेस पे आप प्लॉट की बुकिंग पे जाते हैं। तो उसके अंदर रिफंड का बड़ा वाजिया लिखा हुआ होता है और उसके तहत जो भी लोग आते हैं उसके तहत उनको बिल्कुल एंटरटेन किया जाता है। हाँ, उसमें ये वाजिया लिखा हुआ है, जो फुली पेड फाइल्स होती हैं वो नॉन रिफंडेबल है, वो उसके अंदर वाजिया हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है और लोगों ने उसको एक्सेप्ट करके उसको साइन करके ही उसी की बेस पर बुकिंग करवाई हुई है। जो इंस्टॉलमेंट पर चल रही हैं फाइल्स वो बिल्कुल रिफंड हो सकती है, उसका एक बाकायदा ड्यू प्रोसेस है, वो हमारे ऑफिस से आके कोई भी शख्स कर सकता है अप्लाई, अगर किसी को कोई सेटिस्फाई नहीं है वहाँ पर हमारी वर्किंग से या चीज़ों से, तो उसके पास ये उसका बेसिक राइट है, वो रिफंड ले सकता है। राइट, नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी एंड, मेरा जो आपसे लास्ट एक, मैं समझती हूँ कि आपका भी एक अपना मौकफ जो है लोगों तक पहुँचना चाहिए, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर अपने व्यूअर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, जो एक आप अपना एक मैसेज उन तक पहुँचाना चाहें थ्रू दिस वीडियो? जी, मैं व्यूअर्स को या क्लाइंट्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप रेगुलर हमारे प्रोजेक्ट को, साइट को विज़िट करते रहा करें और हमारे जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं उनको विज़िट करते रहा करें, ताकि आपको एक्चुअल अपडेट्स मिलती रहें प्रोजेक्ट के हवाले से। और प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी सवाल होता है तो उसके लिए प्रोजेक्ट के जितने भी दफातर हैं वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं और हमारे दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, कोई भी आके किसी किस्म का भी सवाल हमसे कर सकता है। परफेक्ट सर, सबसे पहले तो चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और व्यूअर्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के बहुत से सवाल जो आप लोगों की क्यूरीज थे, कंसर्न्स थे, वो काफ़ी हद तक समझ में आपको चीज़ें आ गई होंगी, क्लियर हुई होंगी। मज़ीद अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं फील फ्री टू कॉमेंट, हम लोग दोबारा भी इसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं, मज़ीद आप लोगों के जो कंसर्न हैं उसके लिए हम लोग दोबारा भी चौधरी शहजाद साहब से बात कर सकते हैं। amana.com के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फॉर मोर कॉन्टेंट लाइक दिस स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। amana.com, पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।